हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखा, बहुत प्यार मिला आप लोगों का। सो थैंक यू सहीन यादव, थैंक यू टॉम, और थैंक यू जिन लोगों को भी मेरा वीडियो पसंद आया। तो आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़ा, कमेंट्स में मैंने आपके फीडबैक पढ़ा। तो अभिनव आनंद जी, मैं कोशिश करूँगा पूरी की जो भी मैं अगली बार से लेक्चर दूँ उसका PDF डाउनलोड करूँ। आज का जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उसकी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और ये एक पासवर्ड लॉक्ड PDF है, तो ये इसके लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा। तो पासवर्ड के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बीच में कहीं में मैंने पासवर्ड दे रखा है आपको, ठीक है? तो MCQ 1 और MCQ 3 इन दोनों को PDF मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पासवर्ड मैंने वीडियो के कहीं बीच में आपको दे रखा है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा और पासवर्ड आप डाल के आप उसको खोल के देख सकते हो। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर के ऊपर MCQ करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एक्सप्रेस्ड एज ए बी सी या डी या ई। जिन लोगों ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे रखा है, पहले वो वीडियो देख लो आप, ठीक है? उसके बाद ये MCQ करना, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे रखा है, फॉर्मूला आप देखिएगा तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1/(1 - MPC). 1 - MPC इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - MPC इज इक्वल टू 1 - MPS होता है, ठीक है? आप देख लेना। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द एजम्पशन इज नॉट ट्रू फॉर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ए बी सी डी या ई। कौन सा एजम्पशन मल्टीप्लायर के लिए ट्रू नहीं है? आंसर होगा इसका ई, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज नॉमिनल नॉट रियल, ये गलत है, ठीक है? मतलब ये एजम्पशन नहीं है। एजम्पशन क्या क्या है? एजम्पशन ये है, पहला एजम्पशन ये है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो रियल होता है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम बढ़ती है वो नॉमिनल इनकम नहीं बढ़ती, वो रियल में इनकम बढ़ जाती है, यानी कि रियल में इनकम और आउटपुट बढ़ जाती है, नॉमिनल नहीं बढ़ती, जैसे कि क्लासिकल में बोलते थे वैसा नहीं होता। और एजम्पशन क्या क्या है मल्टीप्लायर के? पहला है कि नो फॉरेन ट्रेड नहीं होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन है कोई भी एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कंडीशंस रखी गई हैं, ऐसा क्यों एजम्पशन रखा गया है। नंबर 3, नो टाइम लैग इन एडजस्टमेंट। नंबर 4, MPC रिमेंस कांस्टेंट। नंबर 5, प्राइजेस रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है? तो नो फॉरेन ट्रेड अगर होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लायर में से एक लीकेज हो जाएगा, मतलब जो कंजम्पशन की वजह से ही तो मतलब इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन एज ए डिमांड होता है, आपको पता है ना कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर फॉरेन ट्रेड करोगे तो इंपोर्ट करोगे ना, इंपोर्ट करोगे तो आपने जो इंपोर्ट किया तो जो डिमांड किया तो आपने डिमांड कहाँ की बढ़ाई? फॉरेन कंट्री की बढ़ाई, तो वो GDP आपके यहाँ की थोड़ी बढ़ेगी, वो तो फॉरेन कंट्री की बढ़ेगी। दिस इज़ वाई ये एक लीकेज हो गया, ये लीकेज नहीं होना चाहिए। ये लीकेज ना हो इस वजह से ये अजम्पशन रखा गया है कि फॉरेन ट्रेड ना हो। देन सेकेंड इज एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये कि अगर इनकम बढ़े, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा जब कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में कुछ एक्सेस कैपेसिटी होगी, यानी कि अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फैक्ट्रीज में कुछ यूनिट्स खाली होनी चाहिए कंज्यूमर गुड के लिए,
मतलब कंज्यूमर गुड जो फैक्ट्रीज बनाती है उनकी कुछ यूनिट्स खाली होनी चाहिए, उसी जो खाली यूनिट्स पड़ी हुई हैं, जो बंद फैक्ट्रीज पड़ी हुई हैं, उसी को हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। तो एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है। अगर एक्सेस कैपेसिटी होगी ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट आप चाहे जितना कर लो कुछ फ़र्क पड़ना है नहीं, ठीक है। तो एक्सेस कैपेसिटी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। देन देर इज़ नो टाइम लैग इन एडजस्टमेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, मतलब इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है तो बिना टाइम लैग के इनकम भी अभी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट मैंने आज किया है और इनकम बढ़ रही है 2 साल बाद, ये तो फिर टाइम लैग हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट मैंने अभी किया है तो इनकम भी अभी तुरंत ही बढ़ेगी, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है। तीसरी एकदम से नहीं है, एम पी सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए। एंड फोर्थ इज प्राइजेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर प्राइजेस बढ़ने लगेंगे ना तो एक तरह से समझ लीजिए कि वो भी लीकेज ही हो जाएगा मल्टीप्लायर में एक तरह से वो लीकेज हो जाएगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये वजह है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेटमेंट नंबर वन, प्राइजेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन ए मल्टीप्लायर। स्टेटमेंट नंबर टू, मल्टीप्लायर इफेक्ट इन स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज स्मॉल। एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री, इम्पोर्ट आर लीकेजेज इन दी मल्टीप्लायर। अब बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है। इनमें से होगा ई आंसर, 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको पिछले में ही बताया कि एजम्पशन क्या क्या है मल्टीप्लायर में, कि प्राइजेस रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है, इम्पोर्ट जो है वो मल्टीप्लायर में लीकेज का काम करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट स्मॉल डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया उसमें कम होती है, ठीक है। इंडिया के इकोनॉमिस्ट जो थे 1950s में, उन्होंने कीन्स के मल्टीप्लायर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि ये इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत कम होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग ये। हु डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट इनकम मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट इनकम मल्टीप्लायर किसने डेवलप किया था, आंसर इज कीन्स ने डेवलप किया था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज यूनिफाइड एज इन्वेस्टमेंट अनडिफाइंड, कौन सी होगा इसमें, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, अनडिफाइंड, हाँ ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अनडिफाइंड एट विच लेवल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ए बी सी डी या ई, इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाएगा, आंसर इज ई, बोथ ए एंड डी, ये जब होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वन, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ फॉर कंजम्पशन वन हो गया तो एम पी एस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम पी सी, और 1 माइनस 1 इज क्या हो जाता है, 0। और जैसे कि हमने बताया है कि ये जो मल्टीप्लायर है, ये जो मल्टीप्लायर इसका फार्मूला ये है, तो इस फार्मूले पे अगर 1 इज इक्वल टू MPC पुट कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। दिस इज़ वाई MPS अगर 0 रहे और MPC अगर 1 रहे, दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लायर अनडिफाइंड हो जाता है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड डी। वॉट आर द लीकेजेज इन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में कौन कौन से लीकेजेज हैं, पेइंग ऑफ डेब्ट, आइडल कैश बैलेंस, टैक्सेशन, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, इंक्रीज इन प्राइजेस, मनी सप्लाई इंक्रीज, ए बी सी डी या ई, कौन सा होगा। इसमें आंसर होगा डी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेनेशन ये है इसका, लीकेज इन मल्टीप्लायर, अगर इंपोर्ट होगा तो मल्टीप्लायर में एक लीकेज होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन
हम कंजम्पशन तो हम बाहर के गुड फॉरेन के गुड्स का कर रहे हैं, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से तो उनकी इनकम बढ़ेगी ना, हमारी इनकम तो नहीं बढ़ेगी। टैक्स, अगर आप टैक्स लगाते हो तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इनकम भी कम होगी, तो एक तरीके से ये लीकेज है। ठीक है, देन आइडियल आइडल कैश बैलेंस या फिर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होती है, जो कि हम आइडल कैश रखते हैं बेकार में, जो हमें भी जिसका कोई अभी काम नहीं है, जेब में बस यूं ही पड़ा हुआ है आइडल कैश। तो इस तरह के आइडल कैश से आप कोई सामान खरीद नहीं सकते, तो जब सामान खरीदोगे नहीं तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी, जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इनकम नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। देन फोर्थ इज़ प्राइस राइज। अगर प्राइस राइज होगा तो प्राइस राइज की वजह से चीज़ें नॉमिनली बढ़ेंगी, रियल में कुछ बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो प्राइस राइज भी एक तरह से समझ लीजिए कि लीकेज ही है। तो आप यहाँ देख सकते हो, हाँ एक एक पॉइंट छूट गया, पेइंग ऑफ डेप्ट, पेइंग ऑफ डेप्ट, पेइंग ऑफ डेप्ट, जब आप पेइंग ऑफ डेप्ट, एक पॉइंट छूट गया था, लिखना मैं भूल गया था। ये भी होगा एक पॉइंट, अगर आप अगर कर्जा चुक आपने अगर किसी फॉरेन कंट्री से कर्जा लिया था और कर्जा अब चुका रहे हो, ठीक है, तो आपकी जेब से पैसा गया ना, आपकी जेब से पैसा जाएगा तो आपके कंट्री में क्या होगी, आपकी कंट्री में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इनकम कम होगा। तो पेइंग ऑफ डेब्ट ये भी एक तरीके का लीकेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू ये 10 + 0.6y, वेयर सी इज कंजम्पशन एंड वाई इज इनकम, फाइंड द इंक्रीज इन इनकम इफ द इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाई 100। न्यूमेरिकल लगाइए आप, कौन सा होगा इसमें, वीडियो को पॉज कर लिए, लगाने की कोशिश कीजिए। आंसर होगा 250, ऑप्शन बी। कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको, कंजम्पशन फंक्शन ये था, ठीक है, तो 0.60 ये क्या होता है, ये एमपीसी होती है, और एमपीएस क्या होता है, 1 - एमपीसी यानी कि 0.4। तो आप यहाँ देख सकते हो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1 / एमपीएस, एमपीएस क्या है यहाँ पे 0.04 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो कितना आ गया आंसर 250, आंसर आपका ये 250। कीन्स मल्टीप्लायर डोंट वर्क इन इंडिया बिकॉज, स्टेटमेंट 1, लैक ऑफ एक्सेस डिमांड के, लैक ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, दूसरा टाइम लैग, तीसरा लैक ऑफ सेविंग, इनमें से कौन सा ट्रू है। इनमें से ट्रू है, आंसर होगा डी, लैक ऑफ एक्सेस कैपेसिटी एंड टाइम लैग। इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट हो भी जाए ना तो एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी कि हमारे पास जो यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए है वो खाली नहीं बची है, जबकि विदेशों में क्या है, उनके पास यूनिट्स खाली पड़ी रहती हैं, फैक्ट्रीज खाली पड़ी रहती हैं, तो अगर डिमांड बढ़ानी भी हो तो वो फैक्ट्री को यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब डिमांड अगर बढ़ेगी तो हम फैक्ट्री से प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, जब प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी। दूसरी बात है टाइम लैग, टाइम लैग बहुत ही बड़ा इशू है हमारे यहाँ है, कि अभी इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो इनकम 2 साल के बाद बढ़ेगी, 1 साल के बाद बढ़ेगी, तो टाइम लैग भी दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है, तो आंसर होगा डी यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, कीन्स मल्टीप्लायर डोंट वर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर बिकॉज, नंबर 1 इनएलास्टिक सप्लाई, नंबर 2 स्मॉल लैंड होल्डिंग, नंबर 3 फूड इन्फ्लेशन, नंबर 4 लैक ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कौन सा होगा इसमें, कौन सा ट्रू है। आंसर होगा 1 और 3, आंसर होगा 1 और 3 यानी कि ऑप्शन डी। इनएलास्टिक सप्लाई होती है, इनएलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि अगर डिमांड एकदम से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बढ़ जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो एकदम से उनका सप्लाई नहीं बढ़ जाता, ठीक है, इनएलास्टिक होता है, एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ सकती एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, तो इस वजह से
अगर इन्वेस्टमेंट भी हुआ ना तो प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ेगा, तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, ये एक फैक्टर ये है। दूसरा है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कभी प्याज के दाम बढ़ गए, कभी टमाटर के दाम बढ़ गए, तो यहाँ पे सब खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते ही रहते हैं। तो आपको पता ही कि प्राइस कांस्टेंट होने चाहिए मल्टीप्लायर में, ठीक है, तो प्राइस की वजह से जो है दिक्कत होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी न्यूमेरिकल है। इफ़ इंक्रीज इन इनकम इज़ 5,000 करोड़ रुपीज़ एंड एम पी सी इज़ 0.75, देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या है? डेल्टा वाई दिया है आपको 5,000 करोड़, ठीक है। एम पी सी दिया है कितना? 0.75। तो आपको क्या निकालना है? डेल्टा आई निकालो। आंसर होगा इसका सी, 1250। कैसे दिखाता हूँ, ये था फॉर्मूला मल्टीप्लायर का। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी है, आंसर आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ विच ऑफ द एजम्पशन आर ट्रू फॉर द एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से एजम्पशन ट्रू हैं? पहला है स्टेटमेंट 1, एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, नो एक्सेस कैपेसिटी इन कैपिटल गुड इंडस्ट्री, देयर विल बी ए टाइम लैग इन एडजस्टमेंट, फिर कैपिटल इज डिविजिबल। इनमें से बताइए कौन सा जो है ट्रू है। फॉर एक्सीलरेटर इसमें ट्रू है सिर्फ ओनली फॉर कैपिटल, ठीक है, सिर्फ कैपिटल, बाकी ये सारे गलत हैं। 1, 2 एंड 3 ये गलत है, आंसर ऑप्शन होगा 4। कैसे होगा? तो एग्जम्पशंस देख लीजिए एक्सेलरेटर के क्या क्या हैं। एक्सेलरेटर के एग्जम्पशन ये हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है उसमें कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, और कैपिटल गुड इंडस्ट्री है उसमें एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, नो टाइम लैग इन एडजस्टमेंट, और कैपिटल इज डिविजिबल। क्यों ऐसा है मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेलरेटर थ्योरी में क्या है? एक्सेलरेटर थ्योरी ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनकम की वजह से, ठीक है। तो इनकम अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? इनकम अगर बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो ऐसा होता है ना कि एक्सेलेटर में ऐसा होता है कि कंज्यूमर गुड में ना कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। तो एक्सेस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ती है? हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कैपिटल अगर इन्वेस्ट करेंगे हम, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स चाहिए होंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी, फैक्ट्री में जो मशीन लगाते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तेल साबुन जो है वो बनाने के लिए मशीनें नहीं है हमारे पास, तो मशीनों की पे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मशीन की जो इंडस्ट्री है, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री, उसमें एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी है मतलब ये कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो मशीनों की सप्लाई की जा सकती है, तो मशीनों की सप्लाई की जाती है, इस वजह से गुड्स इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी होती है, ठीक है। तब अगर गुड्स कैपेसिटी में, गुड्स इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी होती है तो मशीनें आ जाती हैं, मशीनें आने के बाद तब जाके प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो हमने गुड्स जो हमने मंगाए, कैपिटल गुड्स को मंगाने को ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल गुड्स को जो हमने मंगाया, जो खरीदा, वही तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्योंकि सामान जो हमने बनाने थे, कंज्यूमर गुड बनाने थे, उनके लिए मशीनें बची नहीं, देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड, ठीक है। तो अब कंज्यूमर गुड बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें नई मशीनें चाहिए, और नई मशीनें कहाँ से आएंगी? नई मशीनें कैपिटल गुड इंडस्ट्री से आएंगी, और तब कब आएंगी? जब गुड्स कैपिटल गुड इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी हो, ठीक है।
नो टाइम लैग इन एडजस्टमेंट। अगर टाइम लैग हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आज इनकम बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 2 साल के बाद, तो ये कोई मतलब नहीं होता। कैपिटल इज़ डिविजिबल, कैपिटल को डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर मुझे 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे 100 करोड़ का मशीन मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मशीन 500 करोड़ की है और मुझे चाहिए 100 करोड़, ठीक है। तो मशीन तो डिविजिबल है नहीं ना, मशीन तो 500 करोड़ की है बट मेरे को ज़रूरत है 100 करोड़ की, 100 करोड़ की मशीन की, ठीक है। तो मशीन को भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि कैपिटल को डिविजिबल होना चाहिए। तो ये सारे एजम्पशन है, याद कर लो आप इनको। देन क्वेश्चन नंबर 12, ये जो एक्सेलरेटर का हमने दे रखा है इक्वेशन, इसमें वी क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें वी रिप्रेजेंट करता है, आंसर होगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो मैंने ये जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ वो एमसीक्यू नंबर 3 है, और इससे पहले मैं जो एमसीक्यू करवा चुका हूँ वो एमसीक्यू 1 है। दोनों का पासवर्ड ये है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोनों का, वहाँ से डाउनलोड कर लो, पासवर्ड डालना, खोल के फिर पढ़ लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंक्रीज इन इनकम इज बिकॉज ऑफ, इनमें से कौन सा होगा? इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन कौन सा होगा? ए बी सी डी आई। आंसर होगा सी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेटर में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ती है, एक्सेलरेटर में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनकम के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से। इफ इन ये न्यूमेरिकल है, इसको कीजिए उसी फार्मूले पे, एक्सेलरेटर के फार्मूले पे करने की कोशिश कीजिए। इफ़ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि एक्सेलरेटर अगर 3 है, एन इंक्रीज इन 300 करोड़ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कॉज्ड बाई हाउ मच इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है 300 करोड़ की, ठीक है। वी का यहाँ वैल्यू दे रखा है 3, और कह रहा है कि चेंज इन इनकम कितना हुआ वो फाइंड आउट करो। तो फाइंड आउट करिए कितना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। 300 थी वैल्यू, हमने पुट कर दी यहाँ पे, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ये हो गया चेंज इन इनकम, ये हो गया एक्सेलरेटर, तो ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 100। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 100 होगा। देन लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सेलरेटर विल सीज टू ऑपरेट अंडर विच सरकमस्टेंसेस। ऐसे इन इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन सा सरकमस्टांस है जिसमें कि एक्सेलरेटर जो है वो ऑपरेट करना बंद कर देगा? आंसर होगा ई, यानी कि ए एंड डी। कैपिटल डिविजिबल होता है, ये तो कंडीशन एजम्पशन मान के रखी थी हमने। टाइम लैग नहीं होना चाहिए, ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये दोनों कंडीशन जो ए और डी वाली है वो फुलफिल नहीं हो रही है। कैपिटल गुड में आप देख रहे हो कि एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, तो ये गलत है। कंज्यूमर गुड में देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड डी, इन दोनों की वजह से एक्सेलेटर विल सीज टू ऑपरेट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के दें, ठीक है। और इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।